गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ राजेश बड़ारिया और 30 डेज क्रेज कोर्स चैलेंज के अंदर आज हमारा है तीसरा दिन। कौन सा दिन है हमारा? डे थर्ड। जी हाँ, शुरू के दो दिन हमने वीडियो बना दिए हैं, उसकी क्लासेस ले ली है और आप सभी का रेस्पॉन्स देखते हुए आज मैं भी मोटिवेट हूँ, मुझे और भी अच्छा करना चाहिए। और हम पूरे के पूरे जो हमारा सेट एग्ज़ाम है, सेट 2023 या जो हमारा नेट एग्ज़ाम है, उसके कोर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इस 30 दिनों के अंदर। तो जो भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए बता दूं कि जो ये आपको वीडियो मिलता है यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री है, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आज जो भी पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड आपको एक लिंक मिलेगा। और क्या होगा, उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप टेस्ट दे पाओगे। उसके अंदर आप कुछ क्वेश्चंस होंगे जो किससे रिलेटेड होंगे, आज जो भी मैटर पढ़ा है उससे रिलेटेड, तो आप उस क्वेश्चंस को अटेंड कीजिए जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कितना आपको चीज़ें समझ में आ रही है या क्वेश्चन का पैटर्न किस प्रकार से रहता है। ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या है। ओके, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि भाई जो नेटवर्क है उसको ज्योग्राफी लोकेशन के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया गया है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो कम्युनिकेशन मीडिया है, मीडियम जिसे गाइडेड अनगाइडेड मीडिया बोलते हैं, उन पार्ट्स के अंदर आपके जो मीडियम है उसको डिवाइड किया गया था। उसके अलावा हमने क्या पढ़ लिया, OSI लेयर के बारे में पढ़ लिया, फंक्शंस पढ़ लिए, उसका PDU क्या है, डेटाग्राम यूनिट क्या है, उसके बारे में पढ़ लिया। ओके, और उसके अलावा हमने देखा कि भाई सॉफ्टवेयर की लेयर किसे बोलते हैं और हार्डवेयर लेयर किसे बोलते हैं, हार्ट ऑफ OSI किसे बोलते हैं, तो काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ ली है। उसके बाद हमने पढ़ा नेटवर्किंग डिवाइसेस, क्या पढ़ रहे थे, नेटवर्किंग डिवाइस, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ लिया, रिपीटर पढ़ लिया, हब पढ़ लिया, स्विच पढ़ लिया, राउटर पढ़ लिया, गेटवे पढ़ लिया। ओके, तो इसके अंदर एक दो टॉपिक और बाकी रह गए हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस के अंदर, तो प्रीवियस जो वहाँ पे बच गया था उसके आगे से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो लास्ट हमने क्या पढ़ा था, गेटवे पढ़ा था, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो कल हमने ये सारी चीज़ें कर ली थी, ये देखिए यहाँ पे ब्रिज, राउटर और गेटवे। ओके, तो गेटवे हमने पढ़ लिया था। इसके बाद अब हम जो नेक्स्ट जो है वो मैं कंटिन्यू करवा वाला हूँ, और इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। टेलीग्राम जो मेरा टेलीग्राम जो ग्रुप है उसके ऊपर आपको मिल जाएगी। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अब हम। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है सेवन्थ, वो है हमारा मोडेम। क्या है मोडेम, और एग्जाम के अंदर इसकी फुल फॉर्म आती है। मोडेम की फुल फॉर्म क्या है हमारे पास, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर, किसकी फुल फॉर्म है, मोडेम की फुल फॉर्म है। कौन सी लेयर के ऊपर वर्क करता है आपके, मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर, इसकी फुल फॉर्म है। ओके, ध्यान रखना मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन नहीं है, मॉड्यूलेशन डी मॉड्यूलेशन प्रोसेस को बोलते हैं, इसके तरीके को। ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके आपका कंप्यूटर है, यहाँ पे है आपका मॉडेम, और ये क्या है आपके आउटसाइड वर्ल्ड, है ना, इंटरनेट, और यहाँ पे फिर से आपकी मोडेम, और यहाँ पे आपका क्या है सिस्टम, ये सिस्टम। तो मोडेम क्या करेगा, यहाँ से जो डिजिटल सिग्नल आएगा उसको एनालॉग सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करेगा। तो देखिए डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करता है, तो इस प्रोसेस को, इस स्टेज पे क्या बोलते हैं हम, मॉड्यूलेशन, क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन। और यहाँ पे क्या करेगा, जो भी एनालॉग सिग्नल है उसको क्या कन्वर्ट करेगा वापस डिजिटल सिग्नल के अंदर। तो इस स्टेज के ऊपर इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीमॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन। तो मॉडेम का जनरली क्या काम है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करना और डिजिटल सिग्नल को वापस एनालॉग सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करना, ठीक है आपका मॉडेम। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इथरनेट कार्ड, ये क्या बोलते हैं हम, NIC कार्ड। NIC की फुल फॉर्म क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो देखिए आपके कोई भी डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, और
कमेंट कर सकते हैं। तो आपका जो NIC कार्ड है उसका यूज़ क्या है? देखिए, अगर आपको कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क चलाना है, इंटरनेट चलाना है, तो उसके लिए आपको NIC कार्ड चाहिए ही चाहिए। बिना NIC कार्ड के आपके कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क चलाना पॉसिबल नहीं है। तो जो आपका NIC कार्ड है, लिख लीजिए यहाँ पे, इट इज़ एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन नेटवर्क और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस की तरह वर्क करता है। और ये किसके ऊपर वर्क करता है? मैक एड्रेस। इट इज़ वर्क ऑन मैक एड्रेस। किसका यूज़ करता है ये? मैक एड्रेस। मैक एड्रेस के साथ ही इंटीग्रेटेड रहता है NIC कार्ड आपका, है ना। मैक एड्रेस इज इंटीग्रेटेड NIC कार्ड। और मैक एड्रेस क्या काम करता है आपका? आपका इज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई कंप्यूटर अमंग अदर कंप्यूटर्स। देखिए, मैक एड्रेस क्या है? एक तरीके से कंप्यूटर की पहचान है। जैसे किसी व्यक्ति की आधार कार्ड होता है ना, आपका पहचान क्या है? आपकी आधार कार्ड है। उसी प्रकार जो कंप्यूटर है उसकी पहचान क्या है? उसका मैक एड्रेस है। ठीक है, तो मैक एड्रेस कितने डिजिट का होता है? ये 48 बिट का होता है। कितने बिट का होता है? ये 48 बिट का होता है, ध्यान रखना। IP एड्रेस 32 बिट का होता है और मैक एड्रेस 48 बिट का होता है। क्या IP एड्रेस मैंने अभी तक बताया नहीं है, मैक एड्रेस ध्यान रखना आप भी 48 बिट का होता है। डिटेल के अंदर अभी हम चलेंगे, लेयर्स के अंदर, वहाँ हम इसको पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? कनेक्टर्स। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट कनेक्टर्स है, जहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं वो आपके लिए लिख के लेके आया हूँ। फर्स्ट लिख लीजिए इसके अंदर RJ45। इसके फुल फॉर्म में रजिस्टर्ड जैक। ये क्या होती है? 8 पिन का होता है। कितने पिन का होता है? 8 पिन का होता है। और ये कहाँ यूज़ किया जाता है? आपके NIC कार्ड के अंदर। NIC कार्ड के अंदर जो आपको नेटवर्क चलाना होता है ना, वहाँ पे यूज़ करते हैं। ओके, तो ये इथरनेट केबल के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए यूज़ किया जाता है? इथरनेट केबल के लिए। RJ45 NIC जो आपका कार्ड है वहाँ पे ये प्लग इन होता है। ओके, तो जब भी आपका लेन जो केबल होती है ना, उसके आगे जो आपके कनेक्टर लगा होता है, कौन सा लगा होता है? RJ45 लगा होता है, ध्यान रखना। कौन सा लगा होता है? RJ45। चलिए, नेक्स्ट कौन सा है सर? नेक्स्ट आपके हैं आपके RJ11। ये होता है आपका 4 पिन का। और ये कहाँ यूज़ किया जाता है? आपका टेलीफोन लाइन्स के अंदर। कहाँ यूज़ किया जाता है? टेलीफोन लाइन्स के अंदर। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट है, वो भी आप लिख लीजिए, वो है आपका फाइबर ऑप्टिक के अंदर कौन से कनेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, कितने पिन का होता है और कहाँ यूज़ किया जाता है। ये RJ11 4 पिन का होता है, कहाँ यूज़ किया जाता है। ये जो क्वेश्चन आए हुए वहीं से मैंने कंटेंट लिया और इसको मैंने वर्ड्स के अंदर फ्रेम कर दिया है। ओके, तो फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर जो आपके कनेक्टर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं सर? वो होते हैं आपके, नाम देख लीजिए, ST SC FC, और होता है आपका MTRJ और LC। ST SC FC LC और MTRJ, ध्यान रखना। यहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपको दिया हुआ था कि इनमें से फाइबर ऑप्टिक का कनेक्टर कौन सा है। तो एक ऑप्शन दिया हुआ था RJ45, एक दिया हुआ था RJ11, एक दिया हुआ था MTRJ, और एक कुछ भी दिया हुआ था, नन ऑफ दिस। तो आंसर कौन सा था वहाँ पे? MTRJ। ओके, ये UGC नेट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नेटवर्किंग डिवाइसेस वाला जो पार्ट है वो ख़त्म होता है। उम्मीद है आप एंजॉय कर रहे होंगे ये कंप्यूटर नेटवर्क को। देखिए, शुरू से लास्ट तक अगर आप वीडियो के अंदर चलोगे तो चीज़ें आपको कांच की तरह, क्रिस्टल क्लियर की तरह लगने लग जाएगी, है ना। जितनी टफ लगती है उतनी होती नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमारा नेटवर्किंग डिवाइसेज वाला पार्ट है वो यहाँ पे हमारा क्या होता है? एंड होता है। तो देखिए, आपको लग रहा है कि सर मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो यार, लाइक तो ज़रूर कर दो, ताकि और स्टूडेंट्स के पास पहुँचे,
और जो भी सेट नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को क्या कर दो, आप शेयर कर दो जल्दी से। और चैनल पे अभी तक आप नए हो तो इसको क्या कर दीजिए, आप सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से। चलिए अब जो हमारा है मेन टास्क चालू होता है। अभी तक तो क्या था, ओवरऑल खाका था, मतलब ऐसे आपको कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर डालने के लिए जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैंने बता दी है कि अब आपका माइंडसेट हो चुका है कि अब आप कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ने के लिए बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो। तो अब हम जो शुरुआत करेंगे वो कहाँ से करने जा रहे हैं, OSI लेयर्स। तो अब हम वन बाय वन OSI लेयर्स देंगे और जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही पढ़ेंगे। मैं बिल्कुल डिटेल के अंदर नहीं बताने वाला हूँ, जहाँ से क्वेश्चन आ रहे वो चीज़ बताऊँगा, क्योंकि डिटेल से पढ़ने का टाइम नहीं है। ओके, सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, और आज तीसरा दिन हो चुका है। मेरा ये है कि मैं आपके लिए 30 दिन के अंदर कम से कम एक एक बार सारी सब्जेक्ट को ख़त्म कर दूँ, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें है उसके अंदर से। उसके बाद हम क्वेश्चन करने वाले ढेर सारे मैराथन। ओके, उसके बाद की प्लानिंग हम और आगे करेंगे फर्दर, जैसा आप भी इनपुट देंगे मेरे को। आपको ऐसा कोई भी, आपको लगता है कि सर ऐसे करिए ऐसे करिए, तो मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कीजिए। फर्स्ट जो लेयर है हमारी कौन सी है, फिजिकल लेयर। कौन सी लेयर है हमारी, फिजिकल लेयर। तो देखिए यहाँ थोड़ा समझने की कोशिश करिए, आपका कोई नोड है और यहाँ पे आपकी फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर क्या करता है, डेटा पास करता है। यहाँ पे भी मैं डेटा ले रहा हूँ, है ना, समझने की कोशिश कीजिए। डेटा पास करता है किसको, करता है आपके फिजिकल लेयर को। और फिजिकल लेयर क्या करती है, उस डेटा को 0101001 के अंदर कन्वर्ट कर देती है। क्या कर देती है, 0101 के अंदर। तो इसे हम क्या बोलते हैं, चंक्स ऑफ बिट्स बोलते हैं, ना, या इसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस रन ऑफ जीरोस एंड वंस। क्या मतलब हुआ, चंक ऑफ बिट्स के मतलब जो भी इनके पास डेटा था, फ्रेम थी, जो भी थी। देखिए अभी मैं टेक्निकल टर्म जैसे अपन वन बाय वन लेयर चलेंगे तो पता चलेगा, तो मैं बताता जाऊंगा, ठीक है। अभी मोटे तौर पर डेटा नाम ले रहा हूँ। तो जो भी डेटा है वो कहाँ आया, आपके फिजिकल लेयर के पास। वो फिजिकल लेयर ने क्या कर दिया, उस डेटा को सीक्वेंस ऑफ वन में कर दिया। तो आप इसको ये भी बोल सकते हैं सीक्वेंस ऑफ जीरोस एंड वंस, या आप बोल सकते हैं स्ट्रीम ऑफ जीरोस एंड वंस, ठीक है, कुछ भी बोलिए। तो अभी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कंटिन्यूस रन ऑफ 101, मतलब 0101 के अंदर ये कन्वर्ट कर देती है। कौन कन्वर्ट कर देती है, आपकी फिजिकल लेयर। और अब ये क्या कर देती है, इसको पास कर देती है। कहाँ पास कर देती है, आपके नेक्स्ट जो भी नोड है, यहाँ पे जब भी नेक्स्ट नोड है उसको पास कर देता है। तो यहाँ पे नोड को पास हो गया ये डेटा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर। तो ये जो कंटिन्यूस रन ऑफ जीरो से वन से वो कहाँ चला जाएगा, वापस फिजिकल लेयर के पास चला जाएगा, 0101001। और ये क्या करेगी, फिर उसको आगे वाली ऊपर वाली जो भी लेयर है उसको क्या कर देगी, वो जो डेटा है उसको क्या कर देगी, पास कर देगी। तो इस तरीके से कौन वर्क करती है, आपकी फिजिकल लेयर। तो जो फिजिकल लेयर है उसका जो काम है, फंक्शंस भी हमने देखे, हमने जो कल जो वीडियो देखा था उसके अंदर हमने फंक्शन देखे थे। तो उन फंक्शंस को अब हम वन बाय वन लेने वाले हैं। तो सबसे पहला फंक्शन था वो कौन सा था, तो देखिए सबसे पहला जो हमारा फंक्शन था वो कौन सा था, बिट सिंक्रोनाइजेशन। और बिट के बारे में भी आपने जान ही लिया है, बिट मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, जीरोज एंड वन को मैं बिट बोल रहा हूँ। ओके, बिट सिंक्रोनाइजेशन का काम कौन करती है, आपकी फिजिकल लेयर करती है। तो ये किस तरीके से करती है, ये यहाँ पे क्या एक स्कीम का यूज़ करती है। ओके, क्या करती है, एक स्कीम का यूज़ करती है। वो स्कीम कौन कौन सी है, देखिए वो है आपकी मैनचेस्टर एनकोडिंग और कौन सी है दूसरी बताइए आप मेरे को, डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग। बस हम डिटेल पार्ट के अंदर नहीं जाएंगे, इसके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं बता देता हूँ, मैनचेस्टर एनकोडिंग और डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग। यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, इस फॉर्मूले के ऊपर होता है। फॉर्मूला क्या है, बोर्ड रेट, क्या है, बोर्ड रेट इक्वल टू 2 star bit rate। बोर्ड रेट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 star bit rate। और जो बोर्ड रेट है उसकी डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो,
नंबर ऑफ वोल्टेज चेंजेस पर सेकेंड। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, यूजीसी नेट के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा ये गया था कि बिट सिंक्रोनाइजेशन के अंदर अगर हम किसी एनकोडिंग इसका यूज़ करते हैं तो वहाँ पे बिट रेट इज इक्वल टू क्या है, तो ऑप्शन में दिया होता है 2 times बोर्ड रेट, ये बोर्ड रेट लिख रहा हूँ ना, सेकेंड दिया होता है हाफ ऑफ बोर्ड रेट, या क्या दिया होता है इक्वल टू बोर्ड रेट, या दिया होता है 4 times बोर्ड रेट। बताइए इसका एग्जाम आंसर क्या होगा। देखिए बिट रेट इक्वल टू पूछा गया है ना, तो यहाँ पे खड़ा रहना है आपको और देखना है बिट रेट इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो ये 2 क्या चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा, इसका मतलब बिट रेट क्या हो गया आपकी हाफ ऑफ बोर्ड रेट। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा, तो जो आपकी बिट रेट है वो बोर्ड रेट की आधी हो चुकी है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर यहीं से, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। चलिए नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है, तो फिजिकल लेयर के अंदर और क्या क्या होता है हमारे पास, तो यहाँ पे अभी हम पढ़ने वाले हैं टोपोलॉजी। क्या पढ़ने वाले हैं हम, टोपोलॉजी। सर टोपोलॉजी क्या होता है, तो आपने नेटवर्किंग डिवाइसेस पढ़ी, हाँ पढ़ी सर, तो नेटवर्किंग डिवाइसेस को किसी अरेंजमेंट के अंदर अरेंज करना, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्किंग डिवाइस इन पर्टिकुलर ऑर्डर, आप इसे लिख सकते हो, अगर इसकी डेफिनेशन में बोलूँ तो लिख सकते हो आप, टोपोलॉजी मतलब अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्किंग डिवाइस इन सम ऑर्डर, किन्हीं ऑर्डर के अंदर नेटवर्किंग डिवाइसेस को अरेंज करना, उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी टोपोलॉजी बोलते हैं। तो इनको टोपोलॉजी को कहीं पे 4 कहीं पे 5 अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टोपोलॉजी है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ओके, तो इस टोपोलॉजी के अंदर फर्स्ट जो हमारे पास टोपोलॉजी है वो है हमारे पास बस टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी। बताइए बस टोपोलॉजी क्या होती है, देखिए बस टोपोलॉजी के अंदर क्या होगा, ये मान लीजिए आपकी एक लाइन है, ओके, और इस लाइन से क्या हो गया, अलग अलग डिवाइस है। देखो मैं डिवाइस को इस तरह से सिंबल से बना हूँ, ये एक डिवाइस है मान लीजिए ए, ये फर्दर डिवाइस है ये है बी, ये एक और डिवाइस है मान लीजिए सी, ये एक और डिवाइस है मान लीजिए डी। तो इस जो टोपोलॉजी जिसके अंदर क्या होता है, एक सेंट्रल लाइन से अलग अलग डिवाइसेस आपकी कनेक्टेड रहती है, तो ये जो लाइन है, ये जो आपकी केबल है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, इसको हम बोलते हैं बैकबोन केबल। क्या बोलते हैं, बैकबोन केबल। और क्या बोलते हैं सर, तो इसको बोलते हैं हम थिक इथरनेट। क्या बोलते हैं हम इसको, थिक इथरनेट, ध्यान रखना थिक इथरनेट, या क्या बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल, ध्यान रखना, चाहे बैकबोन केबल बोलूँ, थिक इथरनेट केबल बोलूँ, कोएक्सियल केबल, इसका मतलब ये जो आपकी सेंट्रल लाइन है इसको बोला जा रहा है। ओके, और ये किसके अंदर पढ़ रहे हैं हम, बस टोपोलॉजी के अंदर, किस में पढ़ रहे हैं, बस टोपोलॉजी के अंदर, ठीक है। फिर यहाँ देखिए ये जो कनेक्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉप लाइन्स। क्या बोलते हैं हम, ड्रॉप लाइन्स, क्या बोलते हैं हम, ड्रॉप लाइन्स। ओके, और फिर देखिए ये जो कनेक्शन है इसे हम क्या बोलते हैं, बीएनसी कनेक्टर, बीएनसी कनेक्टर, क्या बोलते हैं हम, बीएनसी कनेक्टर, क्या बोलते हैं इसे हम, बीएनसी कनेक्टर। ओके, और इसके अलावा जो यहाँ पे लास्ट में है तो इसे हम क्या बोलते हैं, या तो टर्मिनल, देखिए एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, टर्मिनल या क्या बोलते हैं हम, रिपीटर, या तो इसे हम बोलते हैं टर्मिनल या हम इसे क्या बोलते हैं, रिपीटर। तो ये देखिए एक बस टोपोलॉजी है, और अगर आपको आगे फर्दर कनेक्शन ले जाना है तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पे एक रिपीटर लगा दोगे और फर्दर लेन केबल को एक्सटेंड कर दोगे। पर अगर आप आगे नहीं बनाना चाहते हैं, आगे कनेक्शन नहीं देना चाहते, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे टर्मिनल का यूज़ कर दोगे। ओके, तो अगर यहाँ पे कनेक्शन बंद हो जाएगा तो उसे हम टर्मिनल बोलेंगे, वो कनेक्शन फर्दर आगे किसी डिवाइस के जो आप ले जाना चाहते हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिपीटर। बताया था ना रिपीटर कौन सी लेयर के ऊपर काम करती है, फिजिकल लेयर के ऊपर।
ओके तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप लिख लीजिए। ये जो बस टोपोलॉजी है आपकी मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन है, मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन। सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये जो एक केबल है उस केबल के थ्रू बहुत सारी डिवाइसेस एक साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे देखिए मल्टी पॉइंटेड कनेक्टेड है, यहाँ कनेक्टेड है, यहाँ कनेक्टेड है, यहाँ कनेक्टेड है, यहाँ कनेक्टेड है। इसका मतलब भी क्या है? ये मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन है। और ये जो आपकी है मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन का यूज़ करती है कौन? आपकी बस टोपोलॉजी है ना। तो ये क्या करती है? देखिए बस टोपोलॉजी आपकी मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन यूज़ करती है, इस कारण से क्या रहती है इसकी रिलायबिलिटी क्या रहती है? वो बहुत कम रहती है। यहाँ पे देखिए ए डेटा भेजना चाहता है सी को, और अगर किसी कारण से यहाँ से अगर ये ब्रेक हो गया तो ए सी को डेटा नहीं भेज पाएगा, इसलिए इसकी रिलायबिलिटी क्या रहती है? बहुत कम रहती है, और डेटा भी सिक्योर नहीं रहता है। सिक्योरिटी भी क्या रहती है इसकी? न के बराबर। ए डेटा भेजना चाहता है सी को, पर बीच के अंदर बी ने भी डेटा पढ़ लिया है तो डेटा आपका सिक्योर नहीं रहता है। चलिए नेक्स्ट जो टोपोलॉजी है वो कौन सी है हमारे पास? सर नेक्स्ट टोपोलॉजी कौन सी है? नेक्स्ट टोपोलॉजी कौन सी है हमारे पास? रिंग टोपोलॉजी। वो है हमारे पास रिंग टोपोलॉजी। नेक्स्ट टोपोलॉजी जो है हमारे पास कौन सी है? रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी के अंदर क्या होता होगा? जो आपने बस टोपोलॉजी ली है उसी को ही फर्स्ट एंड को पकड़ के लास्ट एंड से कनेक्ट कर देते हैं। ओके तो क्या बन जाती है हमारी रिंग टोपोलॉजी। तो मैं बना देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से ये, और मान लीजिए ये फर्स्ट स्टेशन था आपका यहाँ पे ए, ये नेक्स्ट स्टेशन हो गया यहाँ पे बी, और ये नेक्स्ट स्टेशन हो गया यहाँ पे सी, और ये नेक्स्ट स्टेशन हो गया यहाँ पे डी। इसको हम क्या बोलते हैं? रिंग टोपोलॉजी। तो इसकी खासियत ये है कि ए डेटा भेजना चाहता है बी को, या ए भेजना चाहता है सी को, या बी भेजना चाहता है डी को, हमेशा डेटा कैसे ट्रैवल करेगा? यूनी डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल करेगा, चाहे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो या चाहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो। तो रिंग टोपोलॉजी है वो क्या होती है? आपकी यूनी डायरेक्शनल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। रिंग टोपोलॉजी होती है वो आपकी यूनी डायरेक्शनल होती है। इसके अंदर किसका यूज किया जाता है? टोकन का, ध्यान रखना, टोकन मैकेनिज्म इज यूज्ड। इसके अंदर टोकन मैकेनिज्म का यूज किया जाता है इज यूज। और ये जो कनेक्शन है आपका पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन है। कौन सा है आपका? पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। कौन सा कनेक्शन है आपका? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। ओके तो ध्यान रखना है यूनि डायरेक्शन है, इसको जब भी डेटा सेंड करना होगा, जैसे ए को डेटा सेंड करना है बी को, तो इसके पास क्या होना चाहिए? ए के पास एक टोकन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टोकन होना चाहिए, तो ही वो डेटा क्या कर सकता है? सेंड कर सकता है। इसके कारण जो रिंग टोपोलॉजी होती है उसके अंदर कोलिजन नहीं होता है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, रिंग टोपोलॉजी के अंदर कोलिजन नहीं होता है। रिंग टोपोलॉजी के अंदर कोलिजन नहीं होता है। यहाँ पे क्वेश्चन और आता है कि सर नंबर ऑफ केबल्स कितनी यूज करेंगे रिंग टोपोलॉजी के अंदर? तो यहाँ ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ केबल्स की आपकी कितनी जरूरत पड़ेगी? यहाँ पे देखिए स्टेशन कितने हैं, एक दो तीन चार, तो देखिए एक केबल ये, दो तीन और चार, और इन सबको कनेक्ट करने के लिए एक केबल की जरूरत पड़ेगी, तो कितनी होगी यहाँ पे? एन प्लस वन। ओके एन प्लस वन। और इसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं हमारी बस टोपोलॉजी के अंदर, तो बस टोपोलॉजी के अंदर नंबर ऑफ केबल की जरूरत कितनी पड़ेगी? कितनी पड़ेगी? स्टेशन कितने? एक दो तीन चार, और एक सेंटर लाइन कनेक्ट कर रहे हैं, तो कितने की जरूरत पड़ेगी? एन प्लस वन। यहाँ पे एन क्या है? आपकी नेटवर्किंग डिवाइसेस, मतलब जो स्टेशन कनेक्ट है ना उसको हम बोल रहे हैं, जो होस्ट आपके कनेक्टेड है होस्ट, उसको मैं बोल रहा हूँ एन। यहाँ पे होस्ट कितने हैं? एक दो तीन चार, तो टोटल केबल की कितनी जरूरत पड़ेगी? चार प्लस एक बराबर पाँच। ओके अब बता दीजिए रिंग टोपोलॉजी के अंदर कितनी केबल की जरूरत पड़ेगी? कितने यहाँ पे होस्ट है? एक दो तीन चार, कितने हो गए ये? चार प्लस एक, कितना हो गया? पाँच। ओके तो नेक्स्ट, तो देखिए जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे मैं डायरेक्ट कंटेंट लेके आया हूँ, स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहिए।
नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास कौन सी टोपोलॉजी है, वो है हमारी स्टार और हब टोपोलॉजी। क्या है? स्टार या हब टोपोलॉजी, मोस्टली इसको स्टार टोपोलॉजी कहा जाता है ना। तो उसके अंदर क्या होगा आपके पास, ये आपकी एक नेटवर्क, ये आपके नेटवर्किंग डिवाइस होगी और इसको किया जाएगा अलग अलग स्टेशन के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो जो अरेंजमेंट है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्टार की फॉर्म के अंदर अरेंजमेंट है। यहाँ पे बीच में आपके पास स्विच हो सकता है या क्या हो सकता है, हब हो सकता है, या स्विच हो सकता है या हब हो सकता है, ए बी सी डी। तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे स्विच है तो अगर ए को सी को डेटा भेजना, तो क्या करेगा, स्विच उस डेटा को लेके किसे फॉरवर्ड करेगा, सी को फॉरवर्ड कर देगा। और यहाँ पे अगर हब है तो हब क्या करेगा, उस डेटा को सारी डायरेक्शन के अंदर फॉरवर्ड कर देगा। तो ये चीज़ें हम नेटवर्किंग डिवाइसेस के अंदर पढ़ चुके हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पे लिख लीजिए स्टार टोपोलॉजी के अंदर, ये आपकी पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन यूज़ किया जाता है किसके अंदर, यूज़ किया जाता है आपकी स्टार टोपोलॉजी के अंदर। अब बताइए यहाँ पे नंबर ऑफ केबल्स कितनी रिक्वायर्ड है, नंबर ऑफ केबल्स की कितनी की जरूरत पड़ेगी बताइए आप मेरे को। स्टेशन कितने हैं, 1 2 3 4, तो ये हो गए आपके एन केबल्स की जरूरत है। बीच में तो और किसी केबल की जरूरत पड़ ही नहीं रही है, इसका मतलब अब चार स्टेशन कनेक्टेड है तो इसको कितनी केबल्स की जरूरत पड़ेगी, चार केबल्स की जरूरत पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट जो टोपोलॉजी है वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तक हमने जो भी टोपोलॉजी पढ़ी उनमें से मेश टोपोलॉजी, कौन सी है आपकी, मेश टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी के अंदर जो आपका कनेक्शन होता है किस प्रकार से होता है, देखिए मान लीजिए एक स्टेशन है यहाँ पे ए बी सी और डी, ए बी सी डी। तो मेश टोपोलॉजी के अंदर जितने भी कनेक्शन पॉसिबल बनाए जाते हैं, ए से बी, ए से सी और ए से डी, फिर बी से हो गया, बी से सी, बी से डी और बी से हो गया, और यहाँ पे ये कनेक्शन बन जाएगा। तो मेश टोपोलॉजी क्या बोलती है, जितने भी एवरी पॉसिबल कनेक्शन पॉसिबल है उनको कनेक्ट कर दीजिए। तो मेश टोपोलॉजी क्या यूज़ करती है, सबसे पहले डेडिकेटेड लिंक का, डेडिकेटेड लिंक। अब सर लिंक क्या है, ये जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या आपका डेडिकेटेड लिंक है ना। इसका क्या मतलब हुआ सर, इसका ये मतलब हुआ कि भाई ए को अगर बी के पास डेटा भेजना है तो ये डायरेक्ट इसको ए से बी को डेटा भेज सकता है, बीच में किसी कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं है या किसी भी अदर डिवाइसेस की जरूरत नहीं है या किसी और केबल की जरूरत नहीं है, इस एक केबल से ही काम चल जाएगा। तो इस तरह के कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, डेडिकेटेड लिंक। और ये जो कनेक्शन है वो कौन सा है आपका, पॉइंट टू पॉइंट, इसमें हम पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेशन का। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है नंबर ऑफ केबल्स रिक्वायर्ड, नंबर्स ऑफ केबल रिक्वायर्ड कितनी हो जाएगी बताइए। यहाँ पे डिवाइसेस कितनी, मान लीजिए एन, तो कितनी केबल की जरूरत पड़ी, एन इंटू एन माइनस वन बाय टू, याद कर लीजिए इस फॉर्मूले को, कितनी केबल की जरूरत पड़ती है यहाँ पे, एन इंटू एन माइनस वन। अभी इसको हम डिराइव नहीं करेंगे, बस आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। ओके, तो एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। एग्जाम्पल, आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि आपके पास अगर 10 केबल है, सॉरी 10 स्टेशन कनेक्टेड है, और वो कौन सी टोपोलॉजी के अंदर कनेक्टेड है, मेष टोपोलॉजी के अंदर, तो बताइए कितनी केबल्स की जरूरत पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे, वैल्यू पुट कर दिए, एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 10 इंटू 10 माइनस 1 9/2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5। तो आंसर क्या हो जाएगा, 45। तो कितने केबल्स की जरूरत पड़ेगी, 45 केबल्स की जरूरत पड़ेगी, किसके अंदर, मेश टोपोलॉजी के अंदर। यहाँ पे और भी क्वेश्चन सर कैसे बनते हैं, तो यहाँ के यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं
रिलायबिलिटी कौन सी टोपोलॉजी की सबसे ज़्यादा है। रिलायबिलिटी सबसे ज़्यादा है वो आपकी मेश टोपोलॉजी की। सर रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है ये तो बता दीजिए। रिलायबिलिटी का ये मतलब होता है कि जैसे ए मैसेज सेंड करना चाहता है सी को, तो वो कितने परसेंट चांसेस है कि वो सी को मैसेज सेंड कर देगा। तो यहाँ देखिए, अगर ए मैसेज करना चाहता है सी को, तो मान लीजिए ये रास्ता डायरेक्ट, और किसी कारण से रास्ता ब्रेक हो जाता है, तो उसके पास और भी चांसेस रहेंगे। कैसे भेजेगा वो, वाया बी के थ्रू भेज सकता है, ए से बी और बी से सी। अब मान लीजिए यहाँ पे भी कनेक्शन कट हो गया, उसके बावजूद भी उसके पास एक और चांस रहेगा, वो ए से सी भेज सकता है। अब आप बोलोगे सर ये वाला भी रास्ता बंद हो गया, तो भाई उसके पास तो भी प्रोबेबिलिटी तो है ही है ना भाई, मैसेज भेजने की प्रोबेबिलिटी तो है ही है, सारे के सारे रास्ते तो बंद होने से रहे। इसलिए अगर ये मैसेज भेजना चाहता है सी को, तो उसके मैसेज सी तक पहुंच जाए उसके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसलिए सारी टोपोलॉजी के अंदर जो बेस्ट टोपोलॉजी हो कौन सी है, आपकी मेश टोपोलॉजी। फिर सिक्योरिटी के हिसाब से सिक्योरिटी इसके अंदर सबसे ज़्यादा रहती है, किसके अंदर, मेश टोपोलॉजी के अंदर। ए मैसेज भेजना चाहता है सी को, तो वो डायरेक्ट भेज सकता है, उसको किसी वाया स्टेशन के थ्रू भेजने की ज़रूरत नहीं है। सर कोस्ट वाइज क्या है, कोस्ट इसकी सबसे ज़्यादा होती है, किसकी, मेश टोपोलॉजी की। क्यों, ऑब्वियस सी बात है ना, इसको आप देखिए कनेक्शन करने के लिए, या पहले तो ए से सी के अंदर डायरेक्ट एक ही केबल से काम चल जाएगा, पर अगर आप मेश टोपोलॉजी का यूज़ करते हो तो यहाँ पे अलग अलग और केबल्स आपको बिछानी पड़ेगी। ओके, क्या होगा, अलग अलग केबल्स का आपको यूज़ करना पड़ेगा, किसके अंदर, मेश टोपोलॉजी के अंदर। ओके, तो अभी हमने क्या पढ़ लिया, टोपोलॉजी पढ़ लिया। देखिए वेरी इजी है, बस टोपोलॉजी, टोपोलॉजी आपको समझ में आ रही है, बस टोपोलॉजी हो गई, रिंग टोपोलॉजी हो गई, स्टार टोपोलॉजी हो गई, और हमारे पास मेश टोपोलॉजी हो चुकी है। सर नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हो, अब इसके अंदर हम पढ़ने वाले ट्रांसमिशन मोड्स, ट्रांसमिशन मोड्स, ट्रांसमिशन मोड्स के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए सिंप्लेक्स, सबसे पहले मैं लिख ही लेता हूँ, सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। ओके, सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड क्या है आपका, यूनिडायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल। इसके अंदर क्या होगा, सेंडर मैसेज भेजना चाहता है रिसीवर को, तो ये जो मैसेज होगा सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर ही ट्रैवल करेगा। सर एग्जांपल क्या क्या है इसका, एग्जांपल है आपका, देखिए जो टीवी आप घर में यूज़ करते हैं, ओके, टीवी में ये होता है ना, एक साइड ही जाता है, उसके बाद आपका कीबोर्ड जो आप प्रेस करते हैं, फिर माउस, प्रिंटर, तो ये बहुत सारे एग्जांपल है, मतलब एक रास्ता है यहाँ पे, जाने के लिए ही रास्ता है, आने के लिए रास्ता नहीं है। तो फर्स्ट हो गया आपका सिंप्लेक्स, सेकेंड हो गया आपका हाफ डुप्लेक्स, सेकेंड हो गया आपका हाफ डुप्लेक्स। तो हाफ डुप्लेक्स का मतलब क्या होगा, दोनों डायरेक्शन के अंदर डेटा भेजा जा सकता है, बोथ डायरेक्शन, बट नॉट एट सेम टाइम, बट नॉट एट सेम टाइम, मतलब सेंडर डेटा भेजना, सेंडर डेटा भेज सकता है रिसीवर को, और रिसीवर भी डेटा भेज सकता है सेंडर को, पर एक साथ नहीं, सेंडर डेटा भेज सकता है रिसीवर को, और रिसीवर भी डेटा भेज सकता है सेंडर को, पर एक साथ नहीं, अलग अलग समय के अंदर। ओके, जैसे एग्जांपल से अगर रियल लाइफ एग्जांपल की मैं बात करूं, तो रेलवे, क्या रेल के अंदर एक ही ट्रैक के ऊपर, रेलवे का जो ट्रैक होता है उसके अंदर एक ही ट्रैक के ऊपर दो ट्रेन आते दिखा है क्या कभी, और जब होती है तब क्या होती है, भिड़ंत, एक्सीडेंट। ओके, तो हाफ डुप्लेक्स के अंदर क्या होगा, अगर आपका ट्रैक है तो एक बार में एक ट्रेन ही जाएगी, मतलब एक बार में एक डेटा कम्युनिकेशन ही होगा। एग्जाम्पल और क्या हो जाएगा इसका, वॉकी टॉकी। ओके, दो हमने मोड पढ़ लिए, फिर लास्ट वाला मोड देख लीजिए, हमारे पास क्या है, फुल डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स मोड। इसमें क्या होगा, बोथ डायरेक्शंस एट सेम टाइम, एक ही समय के अंदर दोनों साइड डेटा भेजा जा सकता है। तो ये हो गया आपका सेंडर, ये हो गया आपका रिसीवर, तो सेंडर भी डेटा सेंड कर सकता है और रिसीवर भी डेटा सेंड कर सकता है।
एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जो आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, ओके, जो वीडियोस, वीडियो हो गए, वीडियो कॉलिंग, या आप जो चैटिंग करते हो, उसमें क्या होता है, एक बार में दोनों साइड का कम्युनिकेशन यूज हो सकता है। सेंडर भी डेटा भेज सकता है और रिसीवर भी डेटा भेज सकता है। इसी प्रकार है जैसे ये ब्रिज है, यहाँ से जो पैसेंजर है वो इधर से भी जा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, फुल डुप्लेक्स। क्या बोलेंगे, फुल डुप्लेक्स। तो ये हमारी फिजिकल लेयर हो चुकी है। ये फिजिकल लेयर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, बेसिक बेसिक ये पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर इन अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसको अगर हम नहीं पढ़ते तो आगे चल के हमें प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने इन सबको पढ़ा दिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, बिल्कुल टेक्निकल फेज के अंदर एंटर करने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो आपकी लेयर है वो कौन सी है, आपकी डेटा लिंक लेयर। तो बिल्कुल अलर्ट रह जाइए, है ना, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम सारी चीज़ें करने वाले हैं। डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर। तो देखिए अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, डेटा लिंक लेयर, ओके। ये कौन सी लेयर है आपकी, सेकेंड लेयर है। कौन सी लेयर है आपकी, सेकेंड लेयर है। तो देखिए यहाँ पे कैसे क्या सारी चीज़ें होती है, समझने की कोशिश कीजिए। ये मान लीजिए आपका एक नोड है और नोड के ऊपर क्या रहेगा, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर। और नेटवर्क लेयर ने क्या किया, कोई डेटा पास किया। तो डेटा कहाँ पास होगा आपके, डेटा लिंक लेयर के पास। डेटा लिंक लेयर क्या करेगी, उसको फ्रेम के अंदर कन्वर्ट कर देगी। किसके अंदर ब्रेक कर देगी, फ्रेम्स के अंदर ब्रेक कर देगी, ओके। और उसके अंदर आगे क्या लगा देगी, एक टेल लगा देगी, ये हो गया डेटा, और उसके क्या लगा देगी, हेडर लगा देगी। तो जो भी डेटा नेटवर्क लेयर पास करेगी, डेटा लिंक लेयर क्या करेगी, उसके आगे पीछे एक टेल लगा देगी और हेडर लगा देगी। वो डेटा कहाँ पास होगा आपका, फिजिकल लेयर के पास। फिजिकल लेयर क्या करेगी, उसको स्ट्रीम ऑफ जीरो और वन के अंदर कन्वर्ट कर देगी, और वो क्या करेगी, फिर उस डेटा को जो भी आपका नेक्स्ट नोड है उसको क्या कर देगी, पास कर देगी। और यहाँ पे वापस ये फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर। तो यहाँ पे वो डेटा वापस कौन रिट्रीव कर लेगी, नेक्स्ट जो भी नोड है उसकी फिजिकल लेयर उसको रिट्रीव कर लेगी, फिर वापस ये किस में हो जाएंगे आपके, फ्रेम्स के अंदर। ये क्या हो गया आपका टेल, और ये क्या हो गया आपका डेटा, और जो ये पार्ट है वो कैसा पास हो जाएगा आपके नेटवर्क लेयर को। इस तरीके से आपका सारा प्रोसेस चलता है कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, ओके। तो आपकी जो डेटा लिंक लेयर है उसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ जो दो पार्ट है वो कौन कौन से आपके, देखिए यहाँ पे लॉजिक लिंक कंट्रोल और मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ओके। लॉजिक लिंक कंट्रोल और मीडिया एक्सेस कंट्रोल, इसकी फुल फॉर्म क्या है, लॉजिक लिंक कंट्रोल और मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो दोनों के अलग अलग फंक्शंस हैं। देखिए मेक लेयर का क्या काम है, ध्यान रखना, मेक लेयर का क्या काम है, सबसे पहला है आपका फिजिकल एड्रेसिंग, एड्रेसिंग। इसके अलावा क्या करता है ये, फ्रेमिंग, और इसके अलावा एक्सेस कंट्रोल। और लॉजिक लिंक कंट्रोल का क्या काम है, यहाँ पे एरर कंट्रोल करना और फ्लो कंट्रोल करना। तो डेटा लिंक लेयर के इनको फर्दर दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है हमने, LLC, लॉजिक लिंक कंट्रोल और मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो सॉरी, चलिए अब हम बिल्कुल बेसिक से वन बाय वन सारे फंक्शन अब हम स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट है आपका फिजिकल एड्रेसिंग। फर्स्ट कौन सा है आपके, फिजिकल एड्रेसिंग। इसके अंदर क्या होगा सर, इसके अंदर क्या होता है आपके, मेक एड्रेस का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है आपके, मेक एड्रेस का यूज़ किया जाता है। फिजिकल एड्रेसिंग के अंदर किसका यूज़ किया जाता है आपके, मेक एड्रेस का यूज़ किया जाता है। मेक एड्रेस कितने बिट का होता है, 48 बिट का होता है। कितने बिट का होता है ये आपके, 48 बिट का होता है। इसको 8 8 बिट के अंदर डिवाइड किया जाता है। कितने बिट के अंदर, 8 8 बिट के अंदर। यहाँ पर जैसे 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिट
8 बिट, इस प्रकार से इसको डिवाइड किया जाता है, टोटली कितना हो गया आपका 48 बिट। ओके, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस फॉर्म के अंदर होगा, हेक्साडेसिमल, किसके अंदर होगा, हेक्साडेसिमल। तो ये 8 बिट को मैं फर्दर ओपन कर देता हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये शुरू के जो 4 बिट, या मतलब जो 4 4 बिट का जो समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टपल। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं इसके अंदर, टपल, क्या बोलते हैं इसके अंदर, टपल बोलते हैं। ओके, फिर एक और चीज़ है यहाँ पे, तो इसको एड्रेस को हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए दो टाइप के अंदर इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है, किसको, आपके मेक एड्रेस को, दो तीन टाइप में, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। कैसे पता चलेगा, देखिए हम समझने की कोशिश करते हैं, यहीं पे आप समझ लीजिए। अगर आपकी फर्स्ट ऑक्टेट की लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, सबसे पहले आप ध्यान रखिए ये जो बिट होती है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, LSB, इसकी फुल फॉर्म क्या है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ओके, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये सेम रह जाएगी फुल फॉर्म आपकी। तो ये है आपकी LSB, ये है आपकी MSB। तो हम क्या चेक करते हैं, इसकी LSB को चेक करते हैं, किसको चेक करते हैं, LSB को चेक करते हैं। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ अगर इस LSB की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ज़ीरो है, तो ये जो आपका मेक एड्रेस होगा वो कौन सा होगा, यूनिकास्ट, कौन सा होगा, यूनिकास्ट। अगर इसकी वैल्यू आपकी 1 है तो ये क्या होगा, आपका मल्टीकास्ट, मल्टीकास्ट। ये समझ में आई बात आपको, फर्स्ट 8 ऑक्टेट बिट की LSB अगर 0 है तो यूनिकास्ट, और 1 है तो मल्टीकास्ट। सब ब्रॉडकास्ट क्या होगा, जितनी भी बिट है सारी बिट अगर 1 हुई तो आपकी ब्रॉडकास्ट होगी। तो मैं आपको फिर से एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जांपल ले लेते हैं हम एक मेक एड्रेस का, तो मान लीजिए एक मेक एड्रेस होगी आपके पास, कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पे हो गया जैसे 4, और यहाँ पे 4 4 ही ले लीजिए आप, ठीक है। इसके अलावा 1A 2B 3C 4D, 1 2 3 5 E5, ये क्या हो गया, आपका मेक एड्रेस हो गया। ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल के अंदर है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये 4 बिट है, 4 बिट से कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 2 की पावर 4, और उसकी रेंज क्या होगी, 0 से लेके 15 तक, क्या होगी, 0 से लेके 15 तक। तो 0 को आप 0 ही लिखोगे, 1 को 1 ही लिखोगे, इसी प्रकार 9 को 9 लिखोगे, 10 को क्या लिखोगे हेक्साडेसिमल के अंदर A, 11 को क्या लिखोगे आप B, 12 को क्या लिखोगे C, 13 को क्या लिखोगे D, 14 को क्या लिखोगे आप E, और 15 को क्या लिखोगे आप F लिखोगे। तो जब भी 15 आएगी तो ये 4 बिट है, 1 2 3 4, ये सारी क्या हो जाएगी, आपकी ऑन हो जाएगी। ओके, तो हेक्साडेसिमल, इसलिए हम क्या करें, इसको 1A 2B 3C इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से हेक्साडेसिमल का कंसेप्ट भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ देखिए, अगर इस फर्स्ट वाले इसको ओपन अप करें तो इसको आप कैसे लिखोगे बिट की फॉर्म में, ये क्या हो जाएगा, 0 0 1 0 0 0 1 0, ये हो गए ना 8 बिट, 8 बिट हो गए। और इसकी आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट देखिए, ये क्या आपकी 0। आपको सिर्फ क्या चेक करना है, इसी ऑक्टेट को आपको चेक करना है, तो ये क्या हो गया 0। इसका मतलब ये जो एड्रेस है आपका कौन सा है, यूनिकास्ट, कौन सा एड्रेस है आपका, यूनिकास्ट। चलिए अब एक और ले लेते हैं हम एग्जांपल, अगर यहाँ पे 44 की जगह आपके क्या होता, 45, क्या होता, 45, और बाकी सारे सेम रहते, 3C 4D और E5, इसको आप बिट के अंदर कन्वर्ट कीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका 0 0 1 0, ये क्या हो जाएगा 1 0 1 0। यहाँ देखिए लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है यहाँ पे 1, इसका मतलब ये जो एड्रेस है वो क्या आपका मल्टीकास्ट, क्या है एड्रेस है आपका मल्टीकास्ट। ओके, फिर और एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे आप कर लीजिए FF 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 और
FF। ब्रॉडकास्ट के अंदर क्या होता है, सारे बीट आपके क्या वन होने चाहिए। इसको ओपन कीजिए, ये क्या हो जाएगा वन 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 वन, ये भी क्या हो जाएगा वन 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 वन, ये भी क्या हो जाएगा वन 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 वन, ये भी क्या हो जाएगा वन 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 वन। इस प्रकार सो ऑन करते रहोगे, सारे क्या हो जाएगा वन 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 वन। ओके, ये चार बीट बन के क्या बना रहे हैं आपके, एफ बना रहे हैं। अगर सारे बीट आपके ऑन है या वन है, इसका मतलब ये जो एड्रेस है आपका कौन सा है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। क्या है आपका, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ओके, तो समझ में आया आपको यूनिकास्ट मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको दिया होगा या आपको ये एग्जांपल दिया होगा कि भाई ये दिया हुआ है आपका मेक एड्रेस, आप बताइए यूनिकास्ट है मल्टीकास्ट है ब्रॉडकास्ट है। या आपको क्या पूछेंगे, यूनिकास्ट के अंदर जो आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट है वो जीरो रखी जाती है, वन रखी जाती है। तो आपको पता होना चाहिए क्या रखी जाती है आपकी, जीरो रखी जाती है। ओके, तो ये जो कंसेप्ट हो गया किसका हो गया आपका, मेक एड्रेस का, फिजिकल एड्रेसिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल एड्रेसिंग। नेक्स्ट देखिए फ्रेमिंग। नेक्स्ट क्या हो गया आपका, फ्रेमिंग। फ्रेमिंग के अंदर क्या होगा, जो भी डेटा आया आपका मान लीजिए नेटवर्क लेयर से। ओके, ये आपकी नेटवर्क लेयर से डेटा पास कहाँ होगा आपका, डेटा लिंक लेयर से पास कहाँ होगा, फिजिकली। जो भी नेटवर्क लेयर से डेटा आया वो क्या होगा, अलग अलग फ्रेम्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलग अलग फ्रेम के अंदर डिवाइड हो जाएगा। तो डेटा क्या हो गया, अलग अलग फ्रेम्स के अंदर डिवाइड हो गया साइज के अकॉर्डिंग, और हर एक फ्रेम के आगे पीछे क्या लगा दिया जाएगा, टेल और हेडर, टेल और हेडर, टेल और हेडर। और अब ये सारा पास कहाँ कर दिया जाएगा, आपके फिजिकल लेयर के पास। किसके अंदर पास क्या कर दिया जाएगा, सारा का सारा ये जीरो वन जीरो वन, तो ये जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन इस तरीके से पास हो जाएगा। ओके, तो फ्रेमिंग का मतलब क्या हो गया, जो भी डेटा नेटवर्क लेयर से आया उसको फ्रेम्स के अंदर कन्वर्ट करके आपके फिजिकल लेयर को पास करना। तो फ्रेमिंग के अंदर कुछ टेक्निक्स रहती है, वो कौन कौन सी टेक्निक है देख लीजिए, कैरेक्टर काउंट, आपको याद रखनी है कैरेक्टर काउंट। सेकेंड हो गया आपका कैरेक्टर शिफ्टिंग, और थर्ड हो गया आपके बिट शिफ्टिंग, बिट शिफ्टिंग। ओके, तो ये लर्न करना है आपको, हम इसकी डिटेल पार्ट के अंदर नहीं जाएंगे। तो आपको फ्रेमिंग के अंदर ध्यान रखना है, तीन तरीके से फ्रेमिंग की जा सकती है, कैरेक्टर काउंट के जरिए, कैरेक्टर शिफ्टिंग के जरिए और बिट शिफ्टिंग के जरिए। कैरेक्टर शिफ्टिंग के जरिए, कैरेक्टर काउंट के जरिए और बिट शिफ्टिंग के जरिए। चलिए अब इसी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो हम अभी पढ़ने वाले हैं, वो है हमारे पास इथरनेट फ्रेम। क्या है वो इथरनेट फ्रेम, इथरनेट फ्रेम आईए का एग्जाम है उसके अंदर भी क्वेश्चन आया है यहाँ से। ओके, और प्रोग्रामर का एग्जाम हो उसके अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन आया, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है इथरनेट फ्रेम। तो ये इसको हम 802.3 भी बोलते हैं। ओके, 802.4.3, और हम क्या पढ़ने वाले हैं, इथरनेट फ्रेम फॉर्मेट। हम इसका क्या देखने वाले हैं, फॉर्मेट देखने वाले हैं। जो फ्रेम सेंड की जाती है डेटा लिंक लेयर के ऊपर, उसका अभी हम फॉर्मेट देखने वाले हैं कि भाई उसके अंदर क्या क्या चीज़ों का यूज़ किया जाता है, उसको हम देखने वाले हैं। तो देखिए उसको हम ब्रेक कर देते हैं, यहाँ पे इस तरीके से आपकी फ्रेम है, और इसके अंदर किन किन फील्ड का यूज़ किया गया है वो आपको ध्यान रखना है, एग्ज़ाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। यहाँ पे देखिए इसको हम बोलते हैं प्रीएम्बल बिट, प्रीएम्बल, और ये होती है आपकी एसएफडी, SFD। ओके, और यहाँ होता है आपका डेस्टिनेशन मेक एड्रेस, और यहाँ होता है आपका सोर्स मेक एड्रेस। ओके, और ये होती है इस पूरी फ्रेम की लेंथ की साइज, फिर यहाँ होता है आपका डेटा, और यहाँ होता है आपका CRC। तो आपको ध्यान रखना है जो प्रीएम्बल जो बिट होती है आपकी वो होती है आपकी 7 byte की, SFD जो होती है वो आपकी 1 byte की, डेस्टिनेशन मेक एड्रेस कितना का होगा, 6 byte।
48 बिट होती है ना, ये क्या हो गया आपका 6 बाइट। लेंथ जो होती है वो आपकी 2 बाइट की होती है, और सीआरसी जो होती है वो आपकी 4 बाइट की होती है, और डेटा जो है वो रेंज में रहता है 46 बाइट से लेके कितना हो जाएगा आपके पास 1500 बाइट तक। 46 बाइट से लेके 1500 बाइट तक क्या रहेगा आपका यहाँ पे डेटा रहेगा। ओके, तो ये क्या होती है आपकी 8 बाइट, और यहाँ से यहाँ तक क्या रह जाएगा, आप इसको इस अलग तरीके से भी कर सकते हो 18+X फॉर्मेट के अंदर। अभी हम समझने वाले ऐसा क्यों है, देखिए डेटा को मैंने अलग निकाल दिया, बाकी इन सबको ऐड कर दिया है। तो DM मतलब क्या है आपका, डेस्टिनेशन मेक एड्रेस, और SM का मतलब क्या है आपका, सोर्स मेक एड्रेस। ओके, तो यह है आपका 8 बाइट 18+1। तो यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बनता है कि इनके अंदर से आपको पूछा जाता है कि ये दिया जाता है कि इसमें से आपको दे दिया जाएगा प्रीएम्बल बिट, SFD बिट और DM बिट, और एक और कोई फ्लैग दे दिया जाएगा अलग ही, मान लीजिए TTL दे दिया, तो ये पूछेंगे कि इनमें से कौन सा इथरनेट फ्रेम के अंदर नहीं है, तो आपको ये याद होना चाहिए। तो सबसे पहले आपकी प्रीएम्बल, फिर SFD का मतलब क्या, स्टार्ट ऑफ फ्रेम डिलीमिटर, DM का मतलब क्या, डेस्टिनेशन मेक एड्रेस, SM का मतलब क्या, सोर्स मेक एड्रेस, लेंथ डेटा, और CRC का मतलब क्या हो गया, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ओके, तो यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है वो चीज़ आपकी कौन सी है, देखिए आपको एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेटा की मिनिमम और मैक्सिमम साइज क्या रह सकती है, डेटा की मिनिमम और मैक्सिमम साइज क्या रह सकती है, तो बताइए आप मेरे को डेटा की मिनिमम साइज क्या रह सकती है। यहाँ देखिए ये क्या हो गया आपकी 46 बाइट, और मैक्सिमम क्या रह सकती है आपकी 1500 बाइट। ध्यान रखना डेटा मैक्सिमम हम 1500 बाइट ही सेंड कर सकते हैं, और मिनिमम कितना सेंड कर सकते हैं 46 बाइट का। और यहाँ आपको एक पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड फ्रेम, देखिए ये कैसे ही टर्म पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, स्टैंडर्ड फ्रेम की मिनिमम साइज कितनी रहेगी, जो आपकी जो स्टैंडर्ड फ्रेम है उसकी जी यहां से यहां तक क्या है आपकी फ्रेम, जो ये आपकी फ्रेम है उसकी स्टैंडर्ड साइज क्या रहने वाली है, तो क्या रहेगी बताइए आप मेरे को। यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 46 पुट कर दीजिए, ये क्या हो जाएगी 18+46, ये क्या हो जाएगा आपके 64 बाइट, और इसके अंदर अगर 18 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1518 बाइट। ध्यान रख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो डेटा है वो मिनिमम कितनी बिट बाइट का रहेगा, 46, मैक्सिमम 1500 बाइट, स्टैंडर्ड फ्रेम का रहेगा 64 बाइट और 1518। एक चीज़ और ध्यान रखिए यहाँ पे, जो आपका क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है, प्रीएम्बल बिट का फंक्शन पूछा जाता है, जो IA एग्ज़ाम था, जो आपका IA एग्ज़ाम हुआ उसके अंदर पूछा गया है कि प्रीएम्बल बिट किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो ध्यान रखना प्रीएम्बल बिट का हम यूज़ किस लिए किया जाते हैं, बिट सिंक्रोनाइजेशन के लिए, किसके लिए, बिट सिंक्रोनाइजेशन के लिए, किसके लिए यूज़ किया जाता है, बिट सिंक्रोनाइजेशन के लिए। तो देखिए ये पूरा फ्रेम का कंसेप्ट किस तरीके से है, जैसे ही फ्रेम क्या हो जाएगी आपके डेटा लिंक लेयर से आपके फिजिकल लेयर के ऊपर पास हो जाएगी, तो फ्रेम क्या हो जाएगी आपके कंटिन्यूस रन ऑफ 0 और 1 के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो भाई आगे जब नेक्स्ट नोड के ऊपर जाएगी उसको कैसे पता चलेगा कि ये फ्रेम यहाँ से यहाँ तक है, तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ बिट का यूज़ किया जाता है, वो यहाँ पे प्रीएम्बल बिट। ओके, इसके अंदर क्या होता है, कुछ फिक्स पैटर्न होता है, क्या होता है, कुछ फिक्स पैटर्न होता है सीक्वेंस का, जिससे पता चल जाता है कि यहाँ से एक फ्रेम आने वाली है, और वो जो पैटर्न जब ख़त्म होता है उसके बाद ये होती है SFD। ओके, यहाँ पे भी कुछ फिक्स पैटर्न होता है, ये बता देते हैं कि भाई इस बिट से लेके इस 0 से लेके अगले वाला 0 है या 1 तक ये फ्रेम चलेगी, और उसके बाद आपकी जो नई फ्रेम है वो चालू हो जाएगी। ये उसी प्रकार से जब भी आपने मूवी देखी ना जोधा अकबर वाली, जैसे ही राजा आने वाला है होता है उससे पहले बनता है कि शहंशाह पधार रहे हैं, उसी प्रकार इसके अंदर होता है, जब भी कोई फ्रेम आने वाली होती है उससे पहले ये अलर्ट मैसेज क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट अभी अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, देखिए फिजिकल एड्रेसिंग,
फ्रेमिंग, इसके अंदर हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। अब हम एक्सेस कंट्रोल टेक्निक्स, क्या पढ़ने वाले हैं हम एक्सेस कंट्रोल टेक्निक्स, थर्ड जो हमारी है एक्सेस कंट्रोल टेक्निक्स। तो एक्सेस कंट्रोल का मतलब क्या हो गया कि ये आपका जैसे लिंक है, ये एक चैनल है, और यहाँ पे मान लीजिए सिर्फ दो जने डेटा पास कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जब ए और बी दोनों ही है और इन दोनों के बीच कनेक्शन कौन सा आपका डेडिकेटेड, तो डेटा पास करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपस में डेटा शेयर कर लेंगे। पर मान लीजिए यहाँ पे और भी स्टेशन है सी डी, अब यहाँ क्या हो गया मल्टीपल स्टेशन इस एक चैनल को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो ए बोलेगा मैं डेटा भेजना चाहता हूँ, सी बोलेगा नहीं मैं भेजूंगा पहले, डी बोलेगा नहीं मैं भेजूंगा पहले, बी बोलेगा नहीं मैं भेजूंगा पहले, तो ये कौन डिसाइड करेगा कि किस में कौन भेजेगा। अब सब अपनी मनमानी करेंगे तो उसके कारण क्या हो जाएगा कोलिजन, कोलिजन का मतलब जो भी मैसेज आएगा उनकी भिड़ंत हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए, ऑब्वियस बात है ना भाई, एक जो लैन कनेक्टेड उसके अंदर बहुत सारे स्टेशन होते हैं, बहुत सारे होस्ट होते हैं, ऑफिस के अंदर भी बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं और वो आपस के अंदर काम करते ही रहते हैं। ऐसे थोड़ी कि भाई ए ने बोला भाई पहले मैं भेज रहा हूँ तुम तीन जन रुक जाओ, ऐसे तो टास्क हो ही नहीं सकता। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए कुछ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स है एक्सेस कंट्रोल। तो देखिए इस एक्सेस कंट्रोल को तीन पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला है आपका रेंडम एक्सेस, क्या है आपका रेंडम एक्सेस, दूसरा है आपका कंट्रोल्ड एक्सेस, क्या है आपका कंट्रोल्ड एक्सेस, और तीसरा है आपका चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल। रेंडम एक्सेस को फर्दर डिवाइड किया गया है आपके, रेंडम एक्सेस के अंदर होगा आपका अलोहा, और अलोहा दो होगा एक प्योर और एक स्लोटेड, कौन सा होगा प्योर और स्लोटेड, फिर यहाँ पे होगा आपका सी एस एम ए सी डी और क्या हो जाएगा आपका सी एस एम ए सी ए। कंट्रोल एक्सेस के अंदर आपके पास क्या होंगे रिजर्वेशन पोलिंग और यहाँ क्या हो जाएगा आपका टोकन पासिंग, रिजर्वेशन पोलिंग और टोकन पासिंग, और यहाँ क्या हो जाएगा आपके चैनलाइजेशन के अंदर FDMA TDMA और क्या हो जाएगा आपके CDMA। ओके FDMA TDMA और CDMA, तो इन सबको हम वन बाय वन बिल्कुल शॉर्ट के अंदर देखने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा डिटेल के अंदर जाएंगे नहीं। तो मैं यहाँ पे रेंडम एक्सेस की बात कर दूँ, रेंडम एक्सेस का मतलब ये है कि ये जो चैनल है इसके अंदर कोई भी डेटा किसी भी समय सेंड कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये है किसी का टाइम फिक्स नहीं है, किसी का स्लॉट फिक्स नहीं है, कोई ज़्यादा प्रायोरिटी भी नहीं है कि भाई ए पहले भेजेगा बी बाद में, नहीं। रेंडम एक्सेस का मतलब है कुछ भी फिक्स नहीं है, चाहे ए पहले भेजे बी पहले भेजे सी पहले भेजे डी पहले भेजे, कोई भी जिसकी मर्जी आएगी जब चैनल खाली मिलेगा डेटा भेज देगा। कंट्रोल एक्सेस का मतलब क्या है, यहाँ पे वीआईपी ट्रीटमेंट, मतलब यहाँ पे क्या होगा रिजर्वेशन सिस्टम होगा कि पहले आपको सीट बुक करानी पड़ेगी, जैसे रेलवे में होती ना, अगर आपको रिजर्वेशन के अंदर ट्रैवल करना तो आपको सीट पहले बुक करानी पड़ेगी। जिसने पहले बुक करा दिया, मान लो ए ने बुक करा दिया मैं डेटा पहले भेजना चाह रहा हूँ, तो ए सेंड करेगा तब तक बी सी और डी डेटा सेंड नहीं कर सकते। पोलिंग के अंदर, टोकन एक्सेस के अंदर, इन सब के अंदर इसी तरह से कंसेप्ट रहेगा। फिर देखिए चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल के अंदर क्या रहेगा, यहाँ पे क्या करेंगे हम चैनल को डिवाइड करेंगे, चाहे वो टाइम के अकॉर्डिंग हो, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हो, या किसी कोड के थ्रू हो, तो वो हम आगे चल के देखेंगे। ओके, तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे हम, बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे। इसको करें उससे पहले आपको ट्रांसमिशन टाइम और आपको प्रोपगेशन टाइम के बारे में पता होना चाहिए। तो उसको हम देख लेते हैं पहले। तो चलिए मेरे ख्याल से आज की क्लास हम यहीं ओवर कर देते हैं, डेटा लिंक लेयर के अंदर हम आगे फर्दर कल कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, तो अगर आपको लग रहा है, देखिए अगर स्टूडेंट नहीं रहते सामने से, रेस्पॉन्स फीडबैक आना जरूरी है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए आप,
और इसको आप क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।